मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उनके घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए निकट भविष्य में विभिन्न स्थानों पर महापंचायतें आयोजित की जाएंगी। इस कड़ी में पहली महापंचायत हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न हुई। इस महापंचायत में मौजूद उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा विशेष मार्गदर्शन दिया गया और उन्हें एलपीजी कनेक्शन सुरक्षा के संबंध में अवगत कराया गया। यह जानकारी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पी कुमार ने दी। इस उपक्रम के संबंध में पैसों की ओर से विशेष पहल की जा रही है। पी कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की बेहद गरीब और चूल्हे पर खाना पकाने वाली महिलाओं को धुएं से मुक्त करना और उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित करना था। इस पहल के तहत देश भर में करोड़ों गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। एलपीजी कनेक्शन को संभालते समय विशेष सावधानी बरतनी जरूरी होती है, अन्यथा दुर्घटना का खतरा है। इस खतरे को भांपते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सोम प्रकाश ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के अधीन पी कुमार ने हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत आने वाले समय में देश भर में विभिन्न स्थानों पर महापंचायत स्थापित की जाएगी और इसके लिए पैसो संस्था खुद पहल कर रही है। इन पंचायतों में विशेषज्ञ टीम एलपीजी कनेक्शन के इस्तेमाल के संदर्भ में महिलाओं का मार्गदर्शन किया जाएगा। इस पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित महापंचायत में 250 गृहिणियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा इस अवसर पर महिलाओं के लिए प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई। प्रश्नोत्तरी जीतने वाली महिलाओं को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नागपुर से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।